आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के सरकारी बंगले पर उठे कानूनी विवाद से अब पर्दा उठने ही वाला है। दरअसल राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के सरकारी बंगले विवाद मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस अनूप जे बंबानी की एकल जज पीठ ने सुनवाई पूरी कर ली और फैसला सुरक्षित रख लिया। बता दें कि इससे पहले पटियाला हाउस अदालत में ट्रायल कोर्ट ने राघव चड्ढा को बंगला खाली करने का आदेश दिया था। राघव चड्ढा ने सरकारी बंगला खाली करने को लेकर ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राघव चड्ढा को पंडारा रोड पर सरकारी टाइप 7 बंगले में रहने का वैध अधिकार नहीं है। ये बंगला लुटियंस के अंतर्गत आता है और इसका आवंटन रद्द हो चुका है, इसलिए बंगले में रहने का अधिकार उनके पास नहीं। ट्रायल कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ आप सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने दावा किया था कि राज्यसभा सचिवालय की कार्रवाई सेलेक्टिव है, पहली बार चुने गए ऐसे सांसद हैं जिनके पास उनकी पात्रता से ऊपर समान आवास है, लेकिन उन्हें निशाना नहीं बनाया गया। दरअसल बीते सप्ताह पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने अपने अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें राज्यसभा सचिवालय को उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना उन्हें बंगले से बेदखल करने से परहेज करने का निर्देश दिया गया था। टाइप 7 बंगला उन सांसदों को आवंटित किए गए हैं जिन्होंने मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। वही मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप ने राज्यसभा सचिवालय के वकील से कहा कि फैसला सुनाए जाने तक इस मामले में आगे किसी तरह की कोई कार्रवाई ना की जाए। हालांकि उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा रहा, लिहाजा यथास्थिति बनी रहे। वही मामले में हाईकोर्ट में चड्ढा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि उन्होंने पहले ही मामले में अपनी दलीलों का सार दाखिल कर दिया है। फिर कोर्ट में राज्यसभा सचिवालय के वकील ने कहा कि वह शुक्रवार शाम तक अपनी दलीलों का सारांश दाखिल करें। फिलहाल के इतना ही, धन्यवाद।